डेफिनेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और यहाँ हम लोगों ने वही 10th क्लास के प्रोसेस वापस से पढ़ लिए, थोड़े एडवांस लेवल पे जाके, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, ये तीन क्रॉस भी पढ़ लिए, ठीक। यहाँ तक पढ़ लिया था। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस से सॉल्व किया था, और डाई हाइब्रिड क्रॉस से जब इसे सॉल्व किया तो भाई साहब रेशियो आया था, क्या रेशियो आया था बेटा? 1:2। नहीं सर, रेशियो 9:3:1। ये इसका फिनोटाइप्स था। और जीनोटाइप? सर जीनोटाइप्स था RR 1:3:1। हाँ सर, मैं वो बता। और फिर भी यही था? यस सर। अब बात करते हैं थोड़ी आगे। देखिए मेंडल की बात यहीं तक खत्म। मेंडल साहब का काम यहाँ पे खत्म होता है, और अब मेंडल के दो कदम आगे बढ़ेंगे, और मेंडल के बाद जो रिसर्च हुई अब उनके बारे में जानकारी लेंगे। मेंडल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो प्योर नहीं थे, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं, बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द प्योर लॉ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज प्योर लॉ। जब कभी आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में से मेन मेंडल का लॉ कौन सा है जो कि प्योर है, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, विदाउट एक्सेप्शन, then second law, that is the law of segregation. Law of segregation बिना किसी exception के लगता है हर जगह, ठीक है? Yes sir. अब आते हैं कुछ exceptions के ऊपर। Basically exceptions होते हैं gene interaction की वजह से। होता क्या है कि भाई साहब एक एक क्रोमोसोम है, हम पूरा नहीं बना रहे, दो नहीं बना रहे, एक बना रहे, एक एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर मान लो क्या पोटेंटी है, इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम ये है स्मॉल टी, ठीक ठीक। आप जरा देखिएगा, एक क्रोमोसोम ये है और इसमें यहां पे कैपिटल आर है और यहां स्मॉल आर, एक ये पेयर, ठीक। हम सिर्फ एक एग्जांपल बता रहे हैं, इसी को सच ना मान लेना, यही सच नहीं है, एग्जांपल बता रहे हैं। होता क्या है कभी कभी जो ये करेक्टर एक्सप्रेस होगा, जो ये करेक्टर एक्सप्रेस होगा, ये करेक्टर को इन्फ्लुएंस करेगा ये, और आई बात ये वाला जीन इस वाले जीन को इन्फ्लुएंस करेगा, समझ में आई बात? बोलो। आ गई सर। तो जब ऐसा हो कि एक जीन को कोई दूसरा जीन इन्फ्लुएंस करे और वो किसी दूसरे पेयर पे हो, ये किसी दूसरे पेयर पे हो, तो इसे कहते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इसे क्या बोलते हैं? इंटरजेनिक। और अगर मान लीजिए इसी के ऊपर ये जीन था, या इसी का जीन था इसी के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसे कहेंगे इंट्राजेनिक। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। बोलो। यस सर। यानी अगर किसी एक ही क्रोमोसोम के सेट के जीन्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो उसे कहेंगे इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। और अगर दो अलग अलग सेट के कर रहे हैं तो उसे कह देंगे इंटरजेनिक इंटरेक्शन, ठीक है? यस सर। और इन इंटरेक्शंस की वजह से क्या होता है कि हमारा जो करेक्टर है उसके ऊपर असर पड़ता है,
अब वही चीज यहाँ एक्सेप्शन बन के आई। मेंडल ने ये कोई बात नहीं बताई थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है, तो यहाँ एक एक्सेप्शन आया और एक्सेप्शन यहाँ डायरेक्ट लिखा नहीं है एनसीईआरटी ने, इसने कहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल ने ये कोई बताया नहीं था, इन्होंने लेथायरस ऑटोरेटस फोर ओ क्लॉक प्लांट के ऊपर इन्होंने रिसर्च की, और रिसर्च क्या की इन्होंने, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के बीच में क्रॉस किया। फोरो क्रॉप प्लांट में दो तरीके के फ्लावर हैं, एक रेड और एक व्हाइट। व्हाइट आना क्या चाहिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, क्या आएगा F1 जनरेशन में? सर रेडी आएगा सारे के सारे F1 जनरेट। लेकिन ये बात सही नहीं निकली, ये रेड ना आके ये आ गए पिंक। समस्या आ गई कि R जो था उसने पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाया वाइट के ऊपर, आर ने इनकम्प्लीटली डोमिनेट किया वाइट को, तभी पिंक आया। अगर कतई ना करता तो वाइट आ जाता, ठीक है, लेकिन इसने इनकम्प्लीटली डोमिनेट किया, यानी आधा डोमिनेट किया, तो मिक्स होके एक नया कलर आ गया पिंक। समझ आई बात? F2 जनरेशन इसकी क्या बनेगी? अब ऐसे ही दो पिंक फ्लावर का क्रॉस कराएंगे, स्मॉल आर बिगर, स्मॉल आर मेल फीमेल, स्मॉल आर छोटा, यही आएगा। हाँ सर यही। ये कैसा होगा सर? डोमिनेंट डेड होगा सर। हाँ, और ये पिंक पिंक, वो भी पिंक, ये वाइट। Yes, sir. तो यहाँ एक रेड एक व्हाइट और ये पिंक आ गया, यानी कि अगर इसका रेशियो बताया जाए तो फीनोटाइप रेशियो क्या है सर? 1:2:2:1 नहीं सर, इसका है 1:3:1 नहीं 1:3:1 सॉरी सर, फीनोटाइप पिंक और व्हाइट, तीन टाइप के फीनोटाइप मिले। यस सर, 1:2:1 दो वन एक एक बोलो। यस सर, सही बोला था मैंने पहले, देखो ना। बात समझ आई? यस सर। ऐसा क्रॉस जिसका जीनोटाइप और फीनोटाइप दोनों के रेशियो सेम आए, तो कौन सा क्रॉस है सर? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बात समझ में आई? यस सर। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये? यस सर, दे रखा है, दे रखा है सर। सर ये स्नैपड्रैगन वाला प्लांट है ना? हाँ हाँ हाँ, वही वाला। ये एंटीराइनम मजस डॉग फ्लावर, ये
या स्नैप ड्रैगन इसी का नाम है। जी सर। ठीक है। यस सर।